हाँ जी, क्या हाल चाल। मैं ऋषभ चंदेल, तो आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूँ। ये जानना चाहता हूँ कि ये जो गाड़ी होती है ना, टाइप टू या ईरो टू, ठीक है, मेरे को पता टाइप टू और ईरो टू में क्या फर्क है। तो इनके ECM जो होते हैं ना, ये ECM, सॉरी, ये ECM होते हैं, क्या इनमें कोडिंग होती है या नहीं होती है, पहली बात तो ये जानना चाहता हूँ मैं। क्योंकि गाड़ी है 2007 मॉडल, मैकेनिक कहते हैं कि ये टाइप टू गाड़ी है या ईरो टू गाड़ी बोलते हैं इसको कोई, तो इन पे जो है कोडिंग नहीं होती है। पर एक इलेक्ट्रीशियन है जिसने इस गाड़ी के वायरिंग का काम किया है, वो बंदा बोलते हैं कि इस गाड़ी में जो है कोडिंग होती है, तभी इसमें कुछ चीजें ऑटोमेटिक चलेगी। जैसे कि मेरा रेडिएटर फैन नहीं चलता था, गाड़ी में थोड़े बहुत पार्ट चेंज किए हैं और उसके बाद जो है गाड़ी में वायरिंग भी मतलब खुली है, पूरी का पूरा इंजन खुला है, वायरिंग, ये डैशबोर्ड, सीटें वगैरह, क्योंकि इस गाड़ी में जो काफी हिस्से जो है गल चुके थे जंग की वजह से, और मैंने इस गाड़ी में बहुत सारा काम करवाया है, और जिस वजह से जो है इस गाड़ी में हर चीज जो है मतलब दोबारा डली गई है। ठीक, मैकेनिक ने बोला है कि पहले वाले मैकेनिक ने कि इस गाड़ी में जो है कोडिंग होगी, जिस वजह से इसमें कुछ चीजें जो है ऑटोमेटिक चलेगी। तो ठीक है, तो हुआ ऐसा कि ऑटोमेटिक वाला सीन तो, कोडिंग वगैरह वाला सीन तो नहीं हुआ, पर इसमें जो है कुछ टाइम के लिए जुगाड़ कर दिया था। यहाँ से रेडिएटर फैन मेरा ऑन हो जाता था इसको खींचने पर, जब यहाँ पे मेरे को सिग्नल आ जाता था कि आपकी गाड़ी अब काफी गर्म हो चुकी है, इसको खींच लो, अब पंखा ऑन कर लो। ठीक है, तो फैन ऑन करने के बाद जो है गाड़ी ठंडी हो जाती थी। ठीक है, क्योंकि बस एक दो बार हुआ कि मैं इसको लगाना भूल गया था, पर तब भी ठीक है, आपकी गाड़ी चली हुई होती है तो इतनी ज्यादा हीट नहीं होती। तो बस यही जानना चाहता हूँ मैं सबसे पहले। भाई फिर से देख लो, अगर आपने मेरी वीडियो ऑन की है और यहाँ तक 1-1.5-2 मिनट आप देख रहे हो, कि यार प्लीज यार ये बताना मेरे को कि इसमें कोडिंग होती है नहीं होती है, क्योंकि ये टाइप टू गाड़ी है और मेरे को यूट्यूब में भी इसकी पता नहीं लगा, इसकी नॉलेज मेरे को नहीं मिली। दूसरी बात ये है कि यार इस गाड़ी में कोडिंग वगैरह वाला सीन ऐसा था कि जब मैंने गाड़ी का काम करवाया पहली बार, पूरा गल चुके थे ना, कुछ पार्ट टूट गए थे, वेल्डिंग वगैरह काफी कुछ इस गाड़ी में हुआ, तो उसके बाद जो है गाड़ी मेरी परफेक्ट चल रही थी। बस हुआ कैसा कि मतलब ये गाड़ी जो है ना मेरी यहाँ से ना, मतलब इसका रेडिएटर फैन नहीं चल रहा था, जिस चक्कर में यहाँ पे बटन लगा दिया था और यहाँ पे जो है ECM हटा दिया गया था। और दूसरे चक्कर क्या हुआ कि जब मैं दूसरे मैकेनिक के पास गया कि यार चलो उसमें कोडिंग हुई तो कोडिंग करवा लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही, कोडिंग करवाने गया तो भाई ने बोला, दूसरे मैकेनिक ने बोला कि इसमें कोडिंग होती नहीं है, टाइप टू गाड़ी है, इसमें कोडिंग नहीं है, ये सादी गाड़ी है भाई, ये सिर्फ मैनुअली चलती है, ठीक है, इसमें कोई ऐसा लेना देना नहीं है। तो ठीक है भाई, जब ऐसा कुछ लेना देना है तो उसके वायरिंग में चक्कर है तो वायरिंग ठीक करो भाई। तो वायरिंग भी उस बंदे से ठीक नहीं हुई, तो उसने क्या बाद में बोला कि आपका जो ECM है वो खराब है। तो ये देख लो भाई, पुराने वाला ECM जो कि अच्छा खासा चल रहा है, तो उस बंदे ने क्या किया, यहाँ पे नया ECM लगा दिया है, वो भी पुरानी गाड़ी का, इसको बोला ये बिल्कुल ठीक है, दूसरे मैकेनिक ने बोला एजेंसी में करता है वो बंदा काम, वो ठीक है और ये गलत है। ठीक है, अब क्या हुआ, जब गाड़ी में से मैं चल पड़ा तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ उसका इग्निशन, ऑन करते हैं, टेम्परेचर फुल पूरा बता रहा है, और आगे जो है मेरा फैन चला है भाई ऑटोमेटिक। ठीक है, ये भी दिखा देता मैं आपको, अब सीन क्या हुआ, ये भी दूसरी बार भी ना इस गाड़ी का जुगाड़ ही हुआ है, जुगाड़ हुआ है ऐसा, ठीक है, इसका फैन ये चला हुआ है। तो ये मेरे को चीज नहीं चाहिए थी जो कि उस बंदे ने की है इस गाड़ी में। तो अब चक्कर क्या है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं हो चुका हूँ उन बंदों से परेशान, या मैं गाड़ी कहीं नए बंदे के पास लेके जाऊंगा जहां मेरे को लगता है चल ठीक है 500-2000 रुपए एक्स्ट्रा ले लेगा बंदा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, पर गाड़ी मेरे को चाहिए A1 कंडीशन में, क्योंकि मैंने इतना काम करवाया इस गाड़ी में। मैं सोचता था कि गाड़ी लूंगा, इसमें स्टेयरिंग वगैरह डलवाएंगे, मोनो स्पार्क होगा, इंटीरियर वगैरह ठीक करवाएंगे, मेरा इस गाड़ी को धोने का मन नहीं करता जब ऐसी ऐसी कमियां आ जाती है ना गाड़ी में, ये वैसे कोडिंग होगी नहीं होगी क्या है। उस बंदे ने क्या किया कि यार इसको बंद कर लो, मैं बैटरी लो हो जाएगी मेरी गाड़ी की। तो उस बंदे ने क्या किया कि ECM चेंज किया, ठीक है, मेरे को लगा नया ECM है बिल्कुल गाड़ी मेरी कंडीशन में चलेगी, तो उसके बाद ना इस गाड़ी के इंडिकेटर चल रहे, ठीक है, कुछ नहीं चल रहा। मैं चला के बता देता आपको, ऐसे ऐसे काम है भाई हमारे लोकल मैकेनिक के, पूरा काम एक्यूरेट करके नहीं देंगे भाई, ये बंदे ऐसा ही करते हैं, ठीक है, ना ये चल रहा, ना ये रिवर्स वाली लाइट चल रही है, पीछे वाली कुछ नहीं चल रहा, ये इंडिकेटर में नहीं चल रहे, इसके लिए कर दिया ये जुगाड़, इसको खींचो बटन दबाओ आपका स्टीरियो ऑन हो जाएगा बिना चाबी के ही, बस ये किया है, इसलिए लगाया है बटन, अब इसका काम ये रह गया, ये उल्टे सीधे जुगाड़ करके मेरी गाड़ी को बस ऐसे टेम्परेरी सब काम कर रहे हैं और बस इसी चलाते रहे, बस ठीक है बाद में देख लेंगे। भाई क्यों देख लें यार, पता नहीं कितने पैसे खर्च कर दिए, मैं क्या बताऊं इसका। तो ऐसा है भाई, चाहे 1000 दो, चाहे 2000 दो, चाहे 500 दो, 100 दो, ठीक है, अगर आप पैसा दे रहे हो उसके बाद आपको एक उम्मीद होती है, एक मतलब ड्राइवर को एक उम्मीद होती है कि उसकी गाड़ी जो है अच्छी कंडीशन में चलेगी, अच्छे बेहतर तरीके से चले, तब भी ऐसे जुगाड़ों में अगर चीजें चल रही हैं तो इस चीजों बदलाने का क्या फायदा यार है।
मेरे को तो यही समझ नहीं आ रही। तो पहले तो यार मेरे को ये मेरी एक गुजारिश है आप लोगों से कि यार पहले तो मेरे को बताओ कि इनमें कोडिंग होती है या नहीं होती है। अगर होती है तो मैं करवाऊंगा, ठीक है, किसी नए मैकेनिक के पास खुद जाऊंगा मैं, किसी कुछ नहीं पूछूंगा कि हाँ मेरे को कोई मैकेनिक बताओ, मेरे को किसी सिफारिश नहीं चाहिए। अब बस मेरे को बता दो कमेंट करके, अगर होती है कोडिंग तो मैं इसमें कोडिंग करवाऊंगा, अगर नहीं होती है तो इसमें कोडिंग नहीं होगी। फिर ये पूरा डैशबोर्ड खुलेगा, इंजन की तरफ से वायरिंग वगैरह हटेगी, फिर जो है इसमें फिर से नए वायरिंग में डलवाऊंगा, फिर मेरी गाड़ी मेरे को लगता है ठीक होगी, चाहे वो 4-5 हजार रुपए का खर्चा आ जाए मैं करवाने को तैयार हूँ। बस मेरे को एक बार पता लग जाए कि हाँ भाई इसमें ये दिक्कत आती है, मतलब इसमें इसका ये सोल्यूशन है भाई, इसमें ये चीजें होती है या नहीं, ठीक है। तो ये चक्कर है भाई, इसलिए मैं थोड़ा सा परेशान हूँ उस गाड़ी से अभी के लिए। तो अगर आप लोगों के पास है सोल्यूशन तो बताना, क्योंकि देखो यार मैंने गाड़ी का बजट रखा था कि जब मैं गाड़ी लूंगा उसके बाद जो है मैं इस गाड़ी में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करूंगा, अलॉय व्हील डलवाऊंगा। सेकंड हैंड मिल जाते हैं भाई नॉर्मल से अलॉय व्हील जो देखने में बेहतर होते हैं, 7-8 हजार में भी आ जाते हैं। ये रिम ले लेंगे वो और अपने अलॉय व्हील दे देंगे, 7-8 हजार रुपए देंगे हम, बस टायर लगवाए, ठीक है। और यहाँ पे स्टेयरिंग भी मैं सोचा चेंज करवाने को, यहाँ पे मैं सोच रहा सीट कवर देखो भाई फट गए हैं सारे के सारे। तो मेरा इनको जब इन चीजों को बदलवाने का मन करता है ना, तब मेरी गाड़ी में कुछ उल्टे सीधे काम आ जाते हैं, कभी अलाइनमेंट का, कभी एक्सल का, कभी ये वो। तो ये दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि, और इसका रीजन ये है कि मेरे को मैकेनिक ठीक नहीं मिल रहे, क्योंकि काम मैंने काफी करवा दिया, फालतू का पैसा दे रहा हूँ, पैसा देने के बाद भी मेरी गाड़ी कंडीशन में नहीं है। तो इसलिए मेरे को हेल्प चाहिए आप लोगों की, यार प्लीज बताना कि ये क्या चक्कर है क्या नहीं, ठीक है। नहीं तो फिर जैसे चलिए फिर ठीक है, फिर नहीं मेरे को मतलब, फिर तो इसमें सिर्फ मैं इसको जैसे पहली कंडीशन थी ना इसकी, इतना जंग लगा हुआ था टूटी फूटी, मैं इसको वैसे ही बना दूंगा, क्योंकि मैं फिर इसको वैसे ही ड्राइव करूंगा, फिर मेरे को कोई लेना देना नहीं बड़ी अच्छी से प्यार से चलाने की, क्योंकि कोई मेरे को जरूरत ही नहीं है। 15-18 की एवरेज दे रही है, इंजन ओके है इसका, चलिए चलने दो, 2027 तक इसकी पासिंग है, उसके बाद देखेंगे क्या बनता है क्या नहीं। क्योंकि मेरा लास्ट काम रह गया था इस गाड़ी में पेंट करवाने का, ठीक है, क्योंकि थोड़ा उखड़ा गया है ना पेंट ये, तो मैं सोचा था कि पेंट करवाऊंगा मैं, फिर देखेंगे आगे का सीन। तो अभी के लिए यार आप लोग ही बताओ मेरे को, बस इतना सा जवाब दे देना भाई, कमेंट कर जरूर करना यार कि ECM में कोडिंग होती है या नहीं होती है, मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि फालतू में मैंने ECM बदलवा दिया और ECM बदलवाने के बाद में मेरी गाड़ी वैसी चली है, ठीक है। तो मेरे को कोई मजा नहीं आ रहा भाई, ये मैकेनिक चेंज करने पड़ेंगे मेरे को सारे के सारे, ठीक है ना।